परासिया में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सिद्धेश्वरी मंदिर से देवरानी दाई मंदिर तक निकाली गई। जगह जगह इस यात्रा का स्वागत फूलों से किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी से पूर्व चुनरी यात्रा निकाली गई। यात्रा सिद्धेश्वरी मंदिर से देवरानी दाई मंदिर तक निकाली गई। भाजपा के पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। आदिवासी अंचल में देवरानी माता का मंदिर व जलकुंड का महत्व है। ये मंदिर कई वर्षों पुराना है और यहाँ की मान्यता बहुत है। पिछले 18 साल से देवरानी माता को चुनरी भेंट की जाती है, इसलिए इस विशाल चुनरी यात्रा को ढोल बाजे के साथ निकाला जाता है और जगह जगह फूलों और प्रसाद वितरण करके इसका स्वागत किया जाता है। वहीं पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने कहा कि उन्होंने माता रानी से प्रार्थना की है कि सभी की सुख समृद्धि बनी रहे और भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु बनकर उतरे। सिद्धेश्वरी मंदिर परासिया से 51 मीटर की चुनरी लेकर बनाए जाए जा रहे हैं। शहर में पदयात्रा के माध्यम से श्रद्धालु भाई बहनों के लिए चुनरी लेकर यहाँ पे आए हैं और अब यहाँ से वाहन द्वारा हम लोग इस रथ के माध्यम से पुराई दाई लेकर के जाएंगे। ये चुनरी यात्रा 18 वर्षों लगातार हम करके चले आए हैं। कोरोना काल जैसी महामारी भी अभी हमने माता रानी चुनरी यात्रा करके क्षेत्र की, जिले की, प्रदेश की और देश विश्व कल्याण की प्रगति के यात्रा में जानते हैं। आज जो भी श्रद्धालु भक्ति आप भगवान उपस्थित हैं, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि मनोकामना वो पूरी करें, हम सब सुखी रहें, जन कल्याण काम करें, माता रानी का आश्रम बना रहे। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।